वास्तव में सेवा के फील्ड में बाबा भी कहते हैं इसके योग अच्छा है, योगयुक्त है, सेवा में सफलता अपना आप मिलता, इस पर मेहनत नहीं करना। मैं पंचे मुक्ति मैं कर रहा हूँ, बाबा के याद नहीं है, सदर में नहीं है, हमारे जो योग का संकल्प नहीं है, ये छोटी छोटी बातें बहुत आपको मेहनत है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, हम लोगों को कर्म योगी माना, सब कुछ करते हुए योग मिल जाएगा। देखिए आपका काम अपना आप होता जाए, इसमें इतनी सिद्धि है, जो भी आप ड्यूटी करते हैं, अपना जो भी काम करते हैं वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, आपको नहीं करना पड़े, ऐसा स्थिति है, आप अनुभव कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलो भोजन कैसा बन गया, ऑफिस में कैसे आपका समय बीत गया, क्योंकि अंतर में जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, जितना भी उसको डिटैच रखेंगे आप प्रभाव में नहीं आए, उसके इन्फ्लुएंस उसके इफेक्ट में नहीं आए। अगर आप बॉडी कॉन्शियस में है, योग नहीं है, छोटी छोटी बातें बहुत आपको डिफिकल्ट करेंगे, अब क्या होगा, कैसे होगा, उलझ जाएंगे। और एक छोटा सा टास्क जो आपको वर्क डन करना है, काम करना है, समझ में नहीं आए, उसी समय अगर आप डिसीजन लो, दो मिनट मुझे सदर में रह के बाबा को याद कर लो, बाबा का साथ कॉम्बिनेशन कंबाइंड कंपनी बाबा के साथ, बाबा टच करेगा ये करो, तुरंत आपका हाथ उधर ही जाएगा, आपका मन भी उधर ही जाएगा। इसीलिए इवन जो आप लोग घर की गृहस्थी की जिम्मेदारी है ना, वो भी बोझी ना लगे, लाइफ एंजॉय करें। कितने लोग बैठे यहाँ पर अपने गृहस्थी में एंजॉय करें, वो हाथ उठाओ, रोज हंसते गाते मस्त रहते हैं, आग लगी बस्ती में हमारे उसी में कितने लोग हैं। अच्छा जैसे भी चेहरा खिला हुआ ऐसे ही खिला रहता है ना? पीछे वाले थोड़े सोच रहे हैं, अगर थोड़ा भी बोझिल है, वेटेड है माइंड, हम बोझ लेके चल रहे हैं गृहस्थी का या अपने ड्यूटी का, तो समझो योग नहीं। क्योंकि योग ही माना आपका सारा बोझ ऑटोमेटिक बाबा की तरफ ट्रांसफर, योग माना आपका सारा बोझ बाबा की तरफ, क्योंकि मन में बोझ होता है, सारा बोझ कहाँ होता है, मन में, और मन को आपने उठा के कहाँ दे दिया, बाबा, तो बोझ कहाँ चला गया, फिर क्यों चेहरा लटकता रहता है बीच बीच में, क्यों चिंताएं सताती रहती है, क्यों किसी के बात बुरा लगता है, क्यों बीती हुई बात को इतना सोचते हैं, क्यों भविष्य की दुनिया में चले जाते हैं। बाबा ने कहा आप सिंपल एक्टर है, पार्टदारी है, इतना सुंदर आप अपने को पार्ट भेजा, ये पक्का है सभी पार्टदारी है, एक्ट्रेस है, आप सब कौन है, रियल है एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस एक्ट्रेस कौन होता है, हीरो कौन होता है, आपको मालूम है, जैसे फिल्मों में हीरो होता है, कौन होता है, किसी हीरो में कूली हीरो है, कौन हीरो है, कूली, किसी हीरो में ड्राइवर हीरो है ना, किसी फिल्म में किसान हीरो है, कहते ना आपकी मूवी देख आए कौन सा, कूली, अच्छा कूली कौन है, हीरो है, तो क्या इसका मतलब क्या निकला, हर कोई हीरो है, ये तो ना, यहाँ स्टेटस की बात नहीं होती है, जो उस मूवी में जो हीरो होगा उसको डायरेक्टर क्या करता है, उनका सारे कैरेक्टर को सबसे ऊंचा उठाता है, चाहे वो ड्राइवर हो, कूली हो, एक साधारण से साधारण व्यक्ति हो, उससे मतलब नहीं है, इसका मीनिंग ये निकलता है आप सब हीरो परमात्मा की रचना हो, क्रिएशन ऑफ गॉड, इस नशे में रहेंगे तो कभी भी आपको गृहस्थी बोझ नहीं है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम लोग कभी भी बोझिल मन से नहीं चले, एकदम फ्रेश माइंड, रोज फ्रेश माइंड,